देवदास 2002 में आई एक बॉलीवुड फिल्म है जिसमें शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय की मुख्य भूमिका है। फिल्म की शुरुआत 1900 से होती है जहां कौशल्या का छोटा बेटा देवदास 10 साल के बाद लंदन से पढ़ाई करके वापस आता है। वह अपनी पड़ोसन सुमित्रा को इसके बारे में बताती है जो खुशी से खिल उठती है। सुमित्रा की बेटी पार्वती देवदास की बचपन की दोस्त है। जब देवदास वापस आता है तब उसकी दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है। सबको विश्वास होता है कि देवदास और पारो की शादी हो जाएगी, पर देवदास की जेठानी कौशल्या को भड़काती है और बताती है कि निचली जाति की लड़कियां जो नाच गाना के खानदान से होती हैं, उनका परिवार शादी के लिए ठीक नहीं होता है। उधर सुमित्रा सरयाम पारो और देवदास की शादी का ऐलान करती है, मगर कौशल्या शादी से इनकार कर देती है। इस रिश्ते को मत ठुकराइए दीदी, और उसकी सबके सामने बेइज्जती कर देती है। दुखी होकर वो पारो की शादी भुवन नाम के एक आदमी से करती है जो 40 साल का विदुर है और जिसके पहली पत्नी से 3 बच्चे हैं। साथ ही भुवन देवदास के परिवार से भी अधिक अमीर है। पारो से शादी ना होने की वजह से देवदास दुखी होकर अपनी माँ और पिता का घर छोड़कर एक कोठे पे रहने लगता है। वैशाली में उसकी मुलाकात एक अच्छे दिल की डांसर चंद्रमुखी से होती है जो उसे मोहब्बत करने लगती है। मगर प्यार सिर्फ एक बार। बहुत जल्द देवदास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पारो के पास जाता है और उसे अपने साथ भागने के लिए बोलता है। क्या आज रात को मेरा हाथ थाम के तुम मेरे साथ भाग सकती हो? लेकिन पारो भागने से इनकार कर देती है। उसे वह याद दिलाती है कि कैसे उसने अपने जिंदगी से बाहर किया था। पारो को अपने नए पति से पता चलता है कि उसने उसके साथ सिर्फ इस वजह से शादी की थी जिससे वो उसके बच्चों का ख्याल रख सके। हमारे बच्चों को माँ की जरूरत थी और उसके तमाम दौलत की रखवाली कर सके, क्योंकि भुवन का असली प्यार तो सिर्फ उसकी पहली पत्नी ही है। इधर पारो अपनी घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है और उधर देवदास हमेशा की तरह चंद्रमुखी के वैशाले पे एक शराबी बन जाता है। क्यों पीते हो इतना कि बर्दाश्त ही न कर पाओ? हम आगे देखते हैं कि जब देवदास के पिता अपनी अंतिम घड़ी गिन रहे होते हैं तो वह उसे याद करते हैं और देवदास उनकी अंतिम विधि पर शराब पी कर आता है और बहुत तमाशा करता है। तिजोरी की चाबी चुराने के आरोप में देवदास की जेठानी उसे फंसा देती है और उसकी माँ भी उस पर विश्वास कर लेती है और फाइनली हम देखते हैं कि देवदास को घर से निकाल दिया जाता है। हवेली छोड़ दो देव, छोड़ दो। पारो चंद्रमुखी के वैशाले पे जाती है और उस पर देवदास को शराबी बनाने का आरोप लगाती है, मगर वो जल्दी ही जान जाती है कि चंद्रमुखी देवदास से मोहब्बत करती है। पारो देवदास से कहती है कि वो शराब पीना छोड़ दे। शराब पीना छोड़ दो देव। ना पारो। छोड़ दो देव। ना। इस पर वो पारो को वचन देता है कि मरने से पहले वो उसके घर के दहलीज पे जरूर आएगा। हम आगे देखते हैं कि पारो चंद्रमुखी को दुर्गा पूजा के मौके पे उसके पति के घर पे बुलाती है, लेकिन भुवन का बेटा जो चंद्रमुखी के कोठे पे जाता था उसके बारे में सबके सामने बता देता है और चंद्रमुखी को बेइज्जत किया जाता है। वहीं काली बाबू भुवन को उसकी माँ पारो और देवदास के रिश्तों के बारे में भी बता देता है। सिर्फ आपके पति और बड़ी माँ से कह दिया। ये सब सुनकर पारो का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि देवदास इतना बीमार हो जाता है कि शराब की एक बूंद भी उसके लिए जहर के समान हो जाता है। देवदास चंद्रमुखी से कहता है कि वह उसे जाने दे क्योंकि उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम खत्म करना है। ट्रेन में देवदास को उसके कॉलेज का दोस्त चुन्नी लाल मिलता है जो उसे दोस्ती के नाम पे पीने के लिए कहता है। दोस्ती की कसम ही रख लो। देवदास कसम रखने के लिए शराब पी लेता है जबकि उसे मालूम था ये शराब उसके लिए जानलेवा है। अंत में हम देखते हैं कि जैसे तैसे देवदास पारो के घर पे पहुंच जाता है जहां उसे पारो के घर के सामने पेड़ के नीचे सुलाया जाता है। इस आदमी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है महेंद्र बाबू। जब पारो को पता चलता है कि देवदास मरने की स्थिति में है तो वो खुद ही दौड़कर उसके पास पहुंचने की कोशिश करती है। भुवन ये देखता है और अपने नौकरों से गेट बंद करने के लिए कहता है। दरबार, हवेली के सारे दरवाजे बंद कर दो। देवदास को पारो की एक धुंधली सी छवि दिखती है, लेकिन पारो के पहुंचने के पहले ही गेट बंद हो जाता है और हमें दिखता है कि देवदास पारो का नाम आखिरी बार लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है और पारो रोते हुए गिर जाती है और ये फिल्म यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों मिलते हैं नए एपिसोड में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू सून।